मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकन को, जिससे मिलती रहेगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं आपका दोस्त साहिल यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर में यूज होने वाले रैम के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर में एक रैम लगी होती है। रैम कुछ इस तरह की मेमोरी होती है जो हर एक कंप्यूटर में लगता है। कंप्यूटर या लैपटॉप सभी में रैम लगता है और मोबाइल में भी रैम यूज होता है। तो बेसिकली रैम का काम होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम एक्सेस करते हैं, कोई ओपन करते हैं प्रोग्राम, तो रैम में आके मतलब बैठ जाता है और वहां से ही हमको शो करता है। मतलब ये रैम हो गया एक तरह की वर्किंग मेमोरी, जिसको आप काम के दौरान यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस रैम के बारे में जानते हैं। जैसे रैम की कितनी टाइप्स होती है, कौन सा कंप्यूटर या कौन सा लैपटॉप में किस तरह की रैम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। और कौन सा रैम यूज करने में आपको बेनिफिट रहेगा, ये भी मतलब रैम की जितने भी इन्फॉर्मेशन है सभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल नेम हो गया। और जो अभी DDR3 या DDR4 रैम अभी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो हम Pentium 3 कंप्यूटर में यूज करते थे उस रैम को ST रैम बोला जाता था, लेकिन ये अभी उतना यूज नहीं हो रहा है। लेकिन इसका नाम क्या था, ST रैम। तो ST रैम को आप कैसे पहचान सकते थे, ST रैम में देखने में बिल्कुल दूसरे रैम की तरह ही था, लेकिन इसमें क्या था, जो कट होती है, मतलब जो मदरबोर्ड में जोड़ने के इन में जो कट लगी होती है, वो दो कट इसमें होती थी। तो दो कट वाले, और इसका जो टोटल पिन काउंट था वह 168 होता था। तो दो कट और 168 पिन वाले रैम को आप ST रैम बोल सकते थे। और इसके ऊपर जो मेमोरी लगती थी वो क्या होती थी, इसमें पिनें होती, जैसे पिन टाइप IC, मतलब ये मेमोरी के ऊपर में मतलब दोनों साइड में पिनें लगी होती थी कुछ इस तरह से। मैं आपको रैम भी दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मतलब ये रैम के ऊपर लगने वाला मेमोरी हो गया, और इसके दोनों साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारी पिनें लगी हुई हैं। तो इस तरह की रैम पिन वाली मेमोरी होती थी ST रैम में। और उसके बाद इसका जो स्पीड था वो बहुत कम था, 100 to 200 MHz, मतलब बहुत ही कम स्पीड में काम करने वाला रैम था ये। और इसका वर्क करने के लिए 3.3 वोल्टेज देना जरूरी होता था, तो ये वोल्टेज मदरबोर्ड देती थी। और उसके बाद इसका कैपेसिटी कितना होता था, जैसे ये रैम अगर आपको ज़रूरी हो अब कितना हो, तो आप इसका कैपेसिटी 128 MB, 512 MB और 256 MB तक का रैम आपको ये पा सकते थे। मतलब इसका 1 GB का वर्जन नहीं था, 1 GB आप ST रैम को नहीं यूज कर सकते थे। अगर आपको 1 GB ST रैम लगाना हो तो 512 का दो रैम लगाना पड़ता था, मतलब 1 GB का एक ही रैम ST रैम यूज नहीं होता था मार्केट में, मतलब अवेलेबल नहीं था। उसके बाद जो रैम आया उसको DDR1 रैम बोला गया, और DDR1 रैम पहचाने की इसका स्ट्रक्चर कैसी थी, मतलब ST रैम और DDR1 देखने में बिल्कुल सेम है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं, बस एक ही फर्क है कि इसमें दो कटे थी, लेकिन इसमें कट क्या हो गए, सिंगल कट हो गए। तो सिंगल कट वाले, और इसका पिन काउंट थोड़ा बढ़ गया, इसमें 168 पिन था तो इसमें 184 पिन हो गया। तो इस तरह की रैम को आप DDR1 रैम बोल सकते थे। तो ये रैम आपको Pentium 4 कंप्यूटर में, पुराने वाले कंप्यूटर में लगता था, लेकिन अभी भी ये रैम उतना यूज नहीं होता है। तो इस रैम में क्या क्या और डिटेल था, जैसे इसका IC आप सेम पिन टाइप IC हो गया, कट एफ हो गया, पिन 184 हो गया। उसके बाद इसका स्पीड पहले वाले से थोड़ा बढ़ गया, जैसे इसमें 100 से 200 स्पीड था तो इसमें 200 से 400 स्पीड इसका हो गया। तो मतलब अगर आप 512 की ST यूज कर रहे हैं और 512 की DDR1 यूज कर रहे हैं, तो DDR1 का स्पीड ज़्यादा होगा, ये इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। मतलब साइज कैपेसिटी सेम होने से मतलब नहीं होता है, कैपेसिटी सेम हो तो स्पीड भी दिखना पड़ता है, और कैपेसिटी सेम हो लेकिन स्पीड ज़्यादा हो तो वो रैम फास्टर स्पीड में काम कर सकता है। उसके बाद आप क्या हो गया, वर्किंग वोल्टेज घट गया, जैसे इसको काम करने के लिए 3.3 वोल्ट देना पड़ता था जो मदरबोर्ड देती थी, लेकिन इसको काम करने के लिए सिर्फ 2.5 वोल्टेज जरूरी होता है। मतलब जो नए रैम आती है उसका स्पीड हाई हो जाता है, कैपेसिटी भी बढ़ जाता है, और इस वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब उसको कम एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, उसका एनर्जी जो है वो कम जरूरी होता है। उसके बाद इसका कैपेसिटी आप 1 GB तक पा सकते थे, 256, 512 और 1 GB तक का DDR1 रैम यूज कर सकते थे। तो DDR1 रैम अगर आपको 2 GB चाहिए था तो 1 GB का दो यूज करना पड़ता था, 2 GB का एक ही DDR1 रैम मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो इस ये जो रैम आप देख रहे हैं ये DDR1 रैम है, जैसे देखिए इसमें पिन टाइप की IC है, कट सिर्फ एक है, पिन अगर आप काउंट करेंगे तो इसका 184 होता है।
इसके बाद जो रैम आया उसको DDR2 रैम बोला गया। तो DDR2 रैम और 1 टोटली डिफरेंट है, जैसे ये DDR1 है और ये DDR2 है, आप देख सकते हैं। इसका जो आईसी था वो पिन वाला था, लेकिन इसका आईसी क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया। इसका साइज भी घट गया आईसी का, और इसमें इसका पिन हटा दिया गया, पिन के जगह पर इसके नीचे बॉल यूज की गई। तो ये बीजे टाइप की आईसी हो गई, DDR2 और 3 या 4 जो भी नए रैम आए वो कुछ इस तरह से आने लगे हैं। तो आप कैसे पहचान सकते हैं, 1 और 2 सेपरेट करने में आपको उतना दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन 2 और 3, जैसे ये 3 है, 2 और 3 देखने में बिल्कुल सेम होती है। इसमें ये हाइट कम है, लेकिन हाइट मतलब सेम हाइट का भी 3 आती है, तो आप हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते। इसको कंपेयर करने के लिए आपको इसका कुछ टेक्निकल बातें आपको जानी पड़ेगी। तो जैसे DDR2 को पहले हम कुछ समझ लेते हैं। DDR2 में 1 कट 240 पिन, मतलब कट 1 था, पिने यहाँ से लेके यहाँ तक की पिने 240 थी। उसके बाद जो आईसी थी वो पिन लेस हो गई, मतलब इसका पिन मतलब एसटी और DDR1 में जो पिन था उसको हटा के इस बीजे टाइप की आईसी यूज की गई। उसके बाद इसका वर्किंग वोल्टेज और कम हो गया, जैसे DDR1 में 2.5 था वर्किंग वोल्टेज, तो DDR2 में 1.8 हो गई। उसके बाद इसका कैपेसिटी बढ़ गया, जैसे 2 GB तक का हो गया। इसका कैपेसिटी 1 GB था, इसका 2 GB हो गया, और इसका स्पीड भी 400 to 800, मतलब इससे स्पीड बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गई और पिन भी बढ़ गया, लेकिन वोल्टेज क्या हो गई, कम हो गई। मतलब इसको काम करने के लिए कम वोल्टेज का जरूरी होने लगा। तो जितने भी नए डिवाइस आते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, मतलब उसमें कम वोल्टेज लगता है लेकिन उसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप DDR2 को पहचान सकते हैं। लेकिन DDR2 में एक नोटिस करने वाली बात क्या होती है, इसका जो कट होता है वो बिल्कुल सेंटर के करीब में होता है। जैसे इसका कट है, कट को आप देख सकते हैं, मतलब लगभग सेंटर के करीब में है। तो इसका कट, जिसका कट सेंटर में हो और इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो, उसको आप DDR2 रैम बोल सकते हैं। लेकिन DDR3 रैम में क्या होता है, दिखने में बिल्कुल ऐसे DDR2 जैसा ही लगेगा, लेकिन इसका जो कट होगा वो कुछ इंड में हो जाएगा। जैसे यहाँ कट देख सकते हैं आप, कट सेंटर से थोड़ा हट के इधर एक इंड में चला गया है। तो इस तरह की अगर रैम हो, दिखने में बिल्कुल DDR2, लेकिन कट अगर इंड में हो तो उसको DDR3 बोला जाता है। तो ये DDR3 का कुछ पहले हम बातें जान लेते हैं। जैसे DDR3 में कट सेम 1 कट 240 पिन है, DDR2 के जैसे ही आईसी पिनलेस सेम DDR2 के जैसे ही, लेकिन इसका स्पीड क्या हो गया, 800 से 1600, मतलब स्पीड हाई हो गया। मतलब अगर आप DDR2 और DDR3 रैम यूज कर रहे हैं, मतलब ये भी 2 GB का है, ये भी 2 GB का है, तो DDR3 आपका इसका वर्किंग स्पीड क्या होगा, हाई होगा, ये परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देगी। उसके बाद इसका क्या हो गया, वर्किंग वोल्टेज 1.5 वोल्ट, मतलब ये इसको काम करने के लिए वोल्टेज का जरूरत भी कुछ कम हो गई, मतलब 1.5 देने से भी ये काम करने लगा, मतलब ये और एनर्जी एफिशिएंट हो गई, और इसका कैपेसिटी भी बढ़ गया। जैसे अब इसको कैपेसिटी 4 GB तक इसका पा सकते हैं, स्पेशल केस में कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 16 GB 32 GB हो सकती है गेमिंग पीसी के लिए, लेकिन जो जनरल नॉर्मल पीसी में यूज होती है वो नॉर्मली 4 GB तक का ही आती है। अगर आपको 4 GB से ज़्यादा ज़रूरत हो DDR3 रैम रखने की, तो आपको क्या करना होगा, 4 GB की 2 RAM लगानी होगी। तो उस पर आप 8 GB का रैम भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब DDR3 को 8 तक यूज कर सकते हैं, DDR2 को 4 तक यूज कर सकते हैं, DDR1 को 2 GB तक का यूज कर सकते हैं, और SD RAM को आप 1 GB तक का यूज कर सकते हैं, अगर 2 यूज किए तो। तो दोस्तों इस तरह से आप रैम की टाइप आप पहचान सकते हैं। अब जानते हैं, अगर मेरे पास एक मदरबोर्ड है जैसे आप देख रहे हैं, तो इस मदरबोर्ड में कौन सा रैम लगेगा, कैसे पता कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में ये जो जगह है वो रैम लगाने के लिए है। तो इसमें अब SD लगेगा कि DDR1 लगेगा, 2 लगेगा या 3 लगेगा या 4 लगेगा, कौन सी रैम इसमें लगाना है, बस लगा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, इसकी जो स्लॉट है, जो इसको स्लॉट बोला जाता है, जो रैम रखने की एक, मतलब इस पार्ट को, तो इस स्लॉट में आप देख सकते हैं बीच में एक कट होती है, कट के ऊपर आपको कुछ वोल्टेज लिखा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा, आप अच्छी तरह देखिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो उस वोल्टेज के हिसाब से आप इसमें रैम लगा सकते हैं, क्योंकि पिन काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें 2.5 वोल्ट लिखा हुआ है आपको, नहीं 1.8 वोल्ट लिखा हुआ है, इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 1.8 वोल्ट लिखा हुआ देख सकते हैं, दोनों में सेम ही वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें 1.8 वोल्ट लिखा हुआ है, तो कौन सा रैम लगेगा इसमें, तो 1.8 में काम करने वाली रैम DDR1 है,
इसमें क्या होगा, DDR1 रैम लगेगी। अगर इसमें 1.5 वोल्ट लिखा होता तो इसमें DDR2 रैम लगती, अगर DDR3 रैम लगती। 1.8 का मतलब DDR2 हो गया, 2.5 वोल्ट लिखा होता तो इसमें DDR1 लगता। तो दोस्तों इसमें DDR2 रैम लगेगी, क्योंकि DDR2 को वर्किंग टू को वर्क करने के लिए 1.8 वोल्ट देना जरूरी होता है। अगर 1.5 वोल्ट लिखा होता तो उसमें DDR3 लगाना पड़ता, अगर 2.5 वोल्ट लिखा होता तो इसमें DDR1 लगाना होता है, अगर ए वोल्टेज लिखा होता मतलब 3.3 वोल्ट लिखा होता तो इसमें HD रैम लगाना होता है। मतलब किसी मदरबोर्ड में इसका रैम के स्लॉट के ऊपर जो वोल्टेज होते हैं उसको देखकर आप उसमें कौन सी रैम लगेगी आप उस तरह से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।